नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। जयपुर में फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि झुंझुनू के एक निजी अस्पताल में भी एक किडनी कांड सामने आया है। दरअसल पथरी का इलाज करवाने आई महिला की एक किडनी खराब बताकर उसकी दूसरी सही किडनी निकालने का मामला सामने आया है। अब पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले के अनुसार झुंझुनू के नुआ गाँव की 30 वर्षीय महिला ईद बानो को पथरी की शिकायत थी। बानो इलाज करवाने के लिए झुंझुनू में एक छोटे से मकान में सर्जन डॉक्टर संजय धनखड़ द्वारा संचालित धनखड़ अस्पताल आई, जहां चिकित्सक धनखड़ ने उन्हें बताया कि पथरी के कारण उसकी दाईं ओर वाली किडनी खराब हो गई है, जिसके चलते उसे निकालनी पड़ेगी। इस पर परिजनों ने सहमति जताई और 15 मई को बानो का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर संजय धनखड़ ने दाईं तरफ की किडनी के बजाय बाईं ओर की सही किडनी निकाल दी और ऑपरेशन के बाद मरीज को छुट्टी दे दी। नुआ गांव आने पर 17 मई को जब बानो की तबीयत फिर से बिगड़ी तो डॉक्टर संजय धनखड़ को फिर से दिखाया गया। उन्होंने जयपुर ले जाने की बात कही और 15 मई को हुए ऑपरेशन के बारे में किसी को भी बताने के लिए बानो के परिजनों को कह दिया। जब परिजन इंद बानो को एसएमएस जयपुर लेकर पहुंचे तो सामने आया कि डॉक्टर संजय धनखड़ ने खराब हो चुकी किडनी की जगह सही किडनी निकाल दी है। इसके बाद अब जयपुर के चिकित्सकों के सामने भी कोई चारा नहीं बचा। अब परिवार के लोग वापस इंद बानो को घर लेकर पहुंच गए हैं। विवाद सामने आने के बाद डॉक्टर संजय धनखड़ भी नुआ गांव पहुंचे और परिवार के लोगों को पैसे देने और कहीं पर इलाज करवाने के लिए पैसे देने का ऑफर भी दिया। परिवार के लोग इससे तैश में आ गए। अब मामला उजागर होने के बाद पूरा चिकित्सा विभाग हड़कंप मच गया है। झुंझुनू कलेक्टर चिन्मयी गोपाल और एसपी राजर्षि राज वर्मा के निर्देश के बाद सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने 5 चिकित्सकों की टीम बनाकर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल को सीज कर दिया है। कलेक्टर के आदेशों पर सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने कार्यवाही की है। चिकित्सकों में रिपोर्ट देने में डॉक्टर संजय धनखड़ दोषी पाए गए हैं। वहीं अब विभाग आरएमसी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए पत्र लिखेंगे, जिसमें डॉक्टर संजय धनखड़ कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आपको यहां यह भी बता दें कि 2016 तक डॉक्टर संजय धनखड़ राजकीय जिला बीडीके अस्पताल में सर्जन के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अंसारी कॉलोनी के एक बुजुर्ग की मौत के बाद पहले उन्हें एपीओ और बाद में 2017 में सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद उन्हें 2020 में फिर से चूरू जिले के एक गांव में पदस्थापित किया गया, लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि इसके बाद डॉक्टर संजय धनखड़ ने ज्वाइन नहीं किया। अब डॉक्टर संजय धनखड़ मामले के बाद अस्पताल से नदारद है। चिकित्सा विभाग की टीम जांच में जुट गई है। पीड़िता अपने गांव नुआ में ही है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा।